नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा अब आखिरी दौर में, अब इंटर और मैट्रिक एग्जाम सेंटर पर यह गलती करना पड़ेगा भारी। बिहार में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत की 9,61,00,000 की राशि। जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं करने पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान। कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीत के बाद दिया चौंकाने वाला बयान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा अब आखिरी दौर में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा अब अंतिम चरण में आ गई है। बता दें कि सीएम नीतीश अपनी समाधान यात्रा के दौरान 10 फरवरी को पूर्णिया पहुंचेंगे, जहां वह लोगों से मुलाकात करेंगे और साथ ही कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वह वहां जीविका दीदियों से भी बातचीत करेंगे और साथ ही वाटर ड्रिपिंग प्रोजेक्ट और मोटर ड्राइविंग स्कूल का जायजा लेंगे। इसके बाद आगामी 16 फरवरी को नीतीश कुमार बेगूसराय पहुंचेंगे, जहां वह बछवाड़ा प्रखंड नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे और साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास करते हुए लोगों से मुलाकात कर क्षेत्रीय समस्याओं की जानकारी लेंगे। अब इंटर और मैट्रिक एग्जाम सेंटर पर यह गलती करना पड़ेगा भारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटर और मैट्रिक वार्षिक बोर्ड परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब अगर छात्र सेंटर पर मोजा जूता पहनकर जाते हैं तो उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी या उन्हें खाली पैर परीक्षा देना होगा, यानी कि परीक्षार्थियों को चप्पल पहनकर परीक्षा केंद्र पर जाना होगा। इसके साथ ही परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले तक प्रवेश मिलेगा, इसलिए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 10 मिनट पहले पहुंचना होगा। मालूम हो कि शांतिपूर्ण परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी द्वारा केंद्र के 200 गज की दूरी में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया गया है, यानी कि परीक्षा केंद्र की 200 गज की दूरी तक ध्वनि विस्तारक या अन्य कोई यंत्र जिससे ध्यान भटके उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र के पास 5 से अधिक व्यक्ति को एक जगह खड़ा नहीं रहना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर 5 मिनट के लिए थम गया पटना शहर। आज पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जा रहा है। बता दें कि इस दौरान बिहार की राजधानी पटना पूरे 5 मिनट के लिए थम गई थी। दरअसल भारत की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति देने वाले सुरमाओं की पुण्यतिथि में मौन धारण कर श्रद्धा निवेदित किया गया। इसके लिए मौन शुरू और खत्म करने की सूचना देने के लिए प्रदेश के सभी शहर के तमाम सरकारी व निजी कार्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर सुबह 11 बजे सायरन बजाए गए, जिसके बाद सभी काम रुक गए और जो जहां थे वहीं मौन रखकर अपनी श्रद्धा निवेदित की। बता दें कि इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर बिहार सरकार के गृह विशेष विभाग के द्वारा सभी विभागीय सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, विभागाध्यक्षों व डीएमएसपी को निर्देश जारी किया गया था। यूपी दिल्ली की बसें अब गांधी मैदान की जगह मिलेंगी। यहां से परिवहन विभाग के अनुसार अब यूपी, झारखंड और दिल्ली जाने वाली सरकारी बसें मार्च महीने से गांधी मैदान से न मिलकर बैरिया बस टर्मिनल से मिलेंगी। बता दें कि मेरी जानकारी के अनुसार अब जिन सिटी बसों का परिचालन गांधी मैदान से होना था उसकी जगह बदलकर अब फुलवारी शरीफ बस स्टैंड में शिफ्ट किया जाएगा। मालूम हो कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गांधी मैदान स्थित बाकीपुर बस डिपो को खाली करवाकर वहां 5-स्टार होटल का निर्माण किया जाएगा। यही वजह है कि इस जमीन को पर्यटन विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है। वही फुलवारी शरीफ बस डिपो में कुल 200 बसें लगाने की क्षमता है और साथ ही यहां गाड़ियों की मरम्मत सहित अन्य कामों की बेहतर सुविधा उपलब्ध है। बिहार में बिजली दर को लेकर बिजेंद्र यादव का बयान। बीते दिन यानी कि रविवार को बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा बिहार में बिजली की दरों को पड़ोसी राज्य के बिजली की दरों से तुलना करते हुए कहा कि बिहार में उपभोक्ताओं को बिजली जिस दर पर दी जाती है वह पड़ोसी राज्य की तुलना में सस्ती है। उन्होंने कहा कि बिहार में उपभोक्ताओं को बिजली की अधिकतम दर 6.22 रुपए प्रति यूनिट मिलती है। वहीं अगर पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या झारखंड की बात करें तो वहां पर बिजली दर 9.22 रुपए, 6.50 रुपए और 6.25 रुपए प्रति यूनिट है। बिहार के लोगों को सस्ती बिजली मिल सके इसके लिए बिहार सरकार की ओर से केंद्र सरकार को पूरे देश में वन नेशन वन टैरिफ लागू करने की मांग भी की गई है। साइबर ठगी मामले में बिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इन दिनों बिहार में साइबर ठगी के केस बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन अब इस मामले को लेकर बिहार पुलिस के हाथों बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही 48 घंटे के अंदर एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर साइबर सेल ने ठगी की गई रकम को वापस भी किया है। दरअसल साइबर ठगों के द्वारा डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह के मोबाइल पर अज्ञात नंबर से मैसेज कर उनके अकाउंट से 8,29,000 रुपए उड़ा लिए गए थे, जिसके बाद डॉक्टर के द्वारा इस मामले को लेकर बीते शनिवार को मथुरापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। उसके बाद बिना देरी किए पुलिस एक्शन में आई और 48 घंटे के अंदर डॉक्टर को उनके सारे पैसे वापस दिलवाए।
बिहार में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत की 9,61,00,000 की राशि। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री अपनी समाधान यात्रा के दौरान बीटा पहुंचे, जहां बीटा प्रखंड के पीतल नगरी पड़ेव गांव में कुटीर उद्योग के तहत बने पीतल के बर्तनों का निरीक्षण लिया और साथ ही उद्योग विभाग के तरफ से कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 9,61,00,000 रुपए राशि की स्वीकृति दी। इसके साथ ही बिजली का बचाव हो जिसे लेकर सौर ऊर्जा के तहत कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। वही जीविका दीदियों के द्वारा सीएम नीतीश को पीतल के बर्तन देकर सम्मानित भी किया गया, जिसे पाकर नीतीश कुमार ने कहा कि यहाँ के बर्तन काफी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कहा कि इस फैक्ट्री का उद्घाटन 2008 में किया गया था, जिसे अब और भी बेहतर तरीके से बनाया जाएगा। पटना के गंगा घाटों पर होगी विशेष व्यवस्था। वैसे लोग जो हर सुबह और शाम पटना के गंगा घाटों पर टहलने के लिए जाते हैं, यह खबर उनके लिए है। बता दें कि बहुत जल्द ही अब पटना के घाटों पर सुबह और शाम का टहलना बहुत ही सुहावना होने वाला है। नगर आयुक्त अमिनेश कुमार पड़ासर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना के घाटों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे लोगों को घाटों पर गंदगी न फैलाने के लिए आग्रह किया जाएगा। इसके साथ ही इस लाउड स्पीकर पर सुबह और शाम के समय लोगों को संगीत की हल्की धुन भी सुनाई देगी। वहीं घाटों की स्वच्छता अभियान मंगलवार से शुरू किया जाएगा, जिसके तहत घाटों पर कूड़ादान लगाया जाएगा। इसके अलावा मंगलवार से ही घाटों पर अगले 15 दिनों तक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए जाएंगे। फसल की क्षति पर ऐसे आवेदन करे किसान। प्रदेश के किसानों के हित को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत किसानों की फसल क्षति होने पर मुआवजा दी जाएगी। बता दें कि सरकार के इस योजना से बिहार के किसानों को काफी राहत मिलने वाली है। वैसे किसान जो राज्य सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे प्रत्येक खरीफ और रवि फसल में बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को 3500 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। मालूम हो कि जब किसानों की फसल 33% से ज्यादा क्षति होती है तो सरकार के द्वारा निर्णय लेकर कृषि विभाग के माध्यम से अनुदान दिया जाता है। बिहार में बीजेपी अपने दम पर बनाएगी सरकार। बीते दिन दरभंगा में संपन्न हुई भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के द्वारा ऐलान करते हुए कहा गया है कि भाजपा अपने दम पर आगामी लोकसभा व बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और जनता के आशीर्वाद से देश व बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जनता रिजेक्ट कर चुकी है। अगर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होते तो उनके खाते में 10 सीट भी नहीं आती। अब देश की जनता और बिहार की जनता को केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद है। जनता के बीच अब नीतीश कुमार की कोई विश्वसनीयता नहीं है। जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं करने पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान। बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े द्वारा दिए गए बयान पर कि जेडीयू और बीजेपी का अब कभी भी गठबंधन नहीं हो सकता को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं। मैं बीजेपी के पास नहीं गया, बल्कि बार बार उनके नेता मेरे पास आए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके पिता यानी कि लालू यादव को फंसाया गया है। लालू यादव पर केस कर दिया गया और बिना मतलब को हमको आगे कर दिया गया। अब हम महागठबंधन के साथ है तो कुछ कुछ बोलकर बिगाड़ने में लगे हैं, इधर से उधर करता है और यही सब चक्कर में रहता है बीजेपी। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में सब कुछ पता चल जाएगा। बिहार कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो यात्रा के समापन में श्रीनगर में हुए शामिल। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में की जा रही भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो रहा है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए श्रीनगर पहुंचे। बता दें कि इस दौरान उनके साथ कई और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे जो भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए श्रीनगर पहुंचे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 30 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में बिहार के सभी नेतागण पार्टी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। बीजेपी के स्टैंड पर जेडीयू का आया रिएक्शन। बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े द्वारा दिए गए बयान पर कि जेडीयू और बीजेपी का अब किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं होगा को लेकर जेडीयू के पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी तिवारी के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा कि हम भाजपा को छोड़ चुके हैं, हम तो उनके साथ रहते हुए भी उनके राजनीतिक मुद्दों का विरोध कर रहे थे, चाहे समान नागरिक संहिता हो, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामला हो या धारा 370। जेडीयू ने सभी का विरोध किया है, इसलिए भाजपा हमें क्यों खारिज करेगी, ने खुद उन्हें खारिज किया है। हम खुद बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं है। केसी त्यागी ने कहा कि भाजपा तलाकशुदा है, जेडीयू ने तलाक 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 कह दिया है।
कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीत के बाद दिया चौंकाने वाला बयान। बीते दिन न्यूजीलैंड और भारत के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत हासिल कर ली और सीरीज पर 1-1 की बराबरी भी कर ली। वहीं मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने बताया कि वो दूसरे T20 मैच में किस बात से डरे थे। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास था कि हम इस मैच को जीतेंगे, हालांकि यह मैच काफी डीप चला गया, इसलिए इस तरह के मैच में यह महत्वपूर्ण होता है कि आप ज्यादा पैनिक ना करें। उन्होंने कहा कि हमने रिस्क नहीं लिया और सिंगल लेते रहे। इस तरह के T20 के लिए यही सही है, ऐसा नहीं है कि हमें संघर्ष से कोई समस्या है। अगर यहां 120-130 रन बन जाते तो शायद वह विनिंग स्कोर होता। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दी कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू गोलू कुमार, रविश कुमार राम, नुशद मनु, शंकर मुखिया, कुमारी संजना, अंजनी कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, सदुल्लाह पलवी, अर्जुन राम, रंजीत मिश्रा, कविता कुमारी, कन्हैया कुमार, प्रिंस कुमार मेश, सोनू यादव, मोहम्मद नौशद राजा, महमूद अंसारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार गंगा नदी के प्रदूषित होने का सबसे मुख्य कारण क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।